दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मार्केटिंग। तो दोस्तों जैसा कि बकरीद का सीजन है और यहाँ पे काफी सारे मतलब के लोगों के कमेंट्स है कि यार बकरीद का रिव्यू करें और यहाँ पे आए मरी मंडी का रिव्यू करें, सुहागपुर की मंडी का रिव्यू करें। सुहागपुर की मंडी का जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे अभी तक माल नहीं आया है, अभी हम आए हुए हैं मरी मंडी में। तो साथ ही साथ चैनल को करते सब्सक्राइब, वीडियो करते लाइक। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं मरी मंडी का रिव्यू कि मरी मंडी की सूरत हाल क्या है, यहाँ पे कितने जानवर आए हुए हैं और कितने भारी जानवर है, कितने जानवर। बस मैं आपको एक बात बताने चलूं कि मरी मंडी में अभी अभी एक ट्रक आया है जो कि वहाँ से माल अनलोड हो रहा है, तो हम चलते हैं उसके पास और वहाँ की अनलोडिंग आपको दिखाते हैं और उसके बारे में रिव्यू करते हैं, बताते हैं तो उसमें कैसा माल है, कितना माल है। यहाँ पे बात होगा जो लोग हैं शर्माते हैं, नहीं दे पाते, बात नहीं कर पाते, तो हमने सोचा आज हम अपना अपना ही रिव्यू कर लें और अपने बारे में ही बता दें आपको, अपने पूरी डिटेल के बारे में बता दें। चलते हैं ट्रक के जब वहाँ पर माल अनलोड हो रहा है। तो गाइस जैसा कि इस ट्रक में आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जानवर हैं जो कि अनलोड होने वाले हैं और देख सकते हैं अभी अनलोड हो रहा है, काफ़ी भारी जानवर है माशाल्लाह। तो इसके बारे में बताएं तो कम से कम 10 मन से 12 मन का जानवर है, ये काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन जानवर है और आप देख सकते हैं कि करके अनलोड हो रहे हैं और काफ़ी बड़ा जानवर है, प्यारा जानवर है, ये एक और हो चुका है छोटा जानवर। और अगर इसकी बात करें तो देखें आप कितना हेवी है माशाल्लाह, ये काफ़ी खूबसूरत जानवर है और कम से कम 3.5 से 4 मन का, 6 मन का जानवर यहाँ पे अवेलेबल है। और ये जो जानवर देख रहे हैं आप काफ़ी बड़ा जानवर है व्यूवर्स, और इसकी हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं आप, इसकी हाइट कितनी हेवी है माशाल्लाह। अब देखते हैं और जानवर जो अनलोड होने वाले हैं, तो इंटरव्यू भी लेंगे साथ साथ, कोई हमें मिलेगा यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कितने दाँत के हैं, इसके प्राइस क्या है, तो इसके बारे में तफसील आपको देते रहेंगे। तो गाइस ये आप जानवर देख सकते हैं एक और माशाल्लाह अनलोड हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी आए हैं व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि यूट्यूबर्स जो है ना आपको पता है शायद हर कहीं आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह अनलोडिंग पे तो लाजमी मिलेंगे आपको। यहाँ पे जानवर उतारने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट वाला जानवर ये भी आ रहा है इस तरफ और अनलोड हो रहा है। तो इसकी अगर बात करें तो ये भी काफ़ी हाइट में अच्छा है, तकरीबन 5 to 6 के करीब इसकी हाइट है और अगर इसके वेट की बात करें तो कम से कम 10 से 12 मन का जानवर है। और दांतों में पूछेंगे दांत कितने का है तो तकरीबन मुझे लगता है 2 से 4 दांत का होना चाहिए। और इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस पे भी बात करेंगे, इसकी ये जो ऑनर है उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। थर्ड जानवर जो सॉरी फोर्थ जानवर है, चौथा जानवर है जो कि अनलोड हो रहा है और जिस ट्रक में आप देख सकते हैं कम जानवर है और काफ़ी हेवी जानवर है, इसी वजह से जानवरों की तादाद जो इसमें कम है। ये तो थोड़ा सा मस्तीला लग रहा है जानवर, ये अनलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी हाइट वगैरह काफ़ी प्यारी है, बहुत खूबसूरत जानवर, तकरीबन वाइट जानवर, वाइट और सुरमई के कंट्रास्ट में यहाँ जानवर आए हैं और काफ़ी प्यारे जानवर हैं। इसकी पाँव में थोड़ा सा आई थिंक मसला है, खड़े खड़े थक जाते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं जानवर ये। तो बस अगर अंदर की बात करें तो ये एक और जानवर आ रहा है, ये एक और अनलोड हो रहा है और उसकी बात करें तो ये भी बहुत प्यारा जानवर है और सेम जानवर है, तकरीबन सारे वाइट एंड सुरमई के उसमें कंट्रास्ट में, वाओ ज़बरदस्त, काफ़ी एक्टिव जानवर है माशाल्लाह से। और बात करें इनकी हेल्थ की तो काफ़ी सेहतमंद है और तकरीबन 8-10 मन के जानवर हैं जिनका लाइफ वेट है। अगर मीट वेट की बात करें तो भी बस मीट वेट भी इनका काफ़ी अच्छा, तो बस जैसे देख सकते हैं आप इस सिब्बी का माशाल्लाह, इसकी हाइट वगैरह के बारे में और इसकी सेहत के बारे में बात करें, इसकी हेल्थ के बारे में बेहतरीन, ये इंटेलिजेंस से आया है, इंटेलिजेंस साइड के साथ शायद के जानवर हैं ये। और इसकी माशाल्लाह आप हेल्थ के बारे में देखें तो काफ़ी एक्टिव जानवर है माशाल्लाह से और काफ़ी खूबसूरत जानवर है, लुक वगैरह में आप देख सकते हैं। तो इस जानवर के बारे में बात करें तो सबसे खूबसूरत, सबसे हेवी जानवर माशाल्लाह ये अभी उतरा है, अनलोड हुआ है, अभी 2-3 जानवर और रह गए हैं तो इनके बारे में बात करते हैं।
और वो देखिए ये सबसे हेवी जानवर जो अंदर अभी अनलोड होने वाला है, काफी हेवी जानवर है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा बहुत ही बड़ा जानवर है व्यूअर्स। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी लाइफ वेट क्या है, इनका मीट वेट क्या है, इनकी प्राइजेस क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो ये हमारे को सरप्राइज एक ट्रक मिला है कि यहाँ पे अनलोड हो रहा है, हम किसी और काम से आए तो यहाँ पे अनलोडिंग हमें मिल गई। तो बस देखते रहिएगा, साथ ही चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दिएगा लाइक। अब देखते हैं इस वाले जानवर के बारे में कि ये कैसे उतरता है और ये कितना खूबसूरत है, ये उतरने के बाद ही पता चलेगा। तो अब ये आ रहा है सिर्फ, अब देखते हैं कैसा है ये। बस अब तक का तकरीबन सबसे हेवी जानवर ये है जो अभी अनलोड हो रहा है, बहुत हेवी जानवर है ये माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हेवी जानवर। अगर इनकी प्राइस के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से यार प्राइस जो इनके काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, जो कि प्राइस भी हम खोलेंगे, आपको प्राइस के बारे में बताएंगे व्यूअर्स। तो साथ ही साथ चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट है कि जो मलीर मंडी में उतर रहा है, अनलोड हो रहा है, जिसमें कि हेवी जानवर है और खूबसूरत जानवर है, साफ सुथरे बहुत ही प्यारे जानवर है। ये एक और आ रहा है और इसके बाद एक आखिरी जानवर रह जाएगा, तो उसके बारे में भी रिव्यू करेंगे बताएंगे आपको। ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त, दो दांत में सिब्बी के इतने खूबसूरत जानवर भी, बस मैं कहता हूँ यार वैल यार बेहतरीन। ये आ रहा है, ये लास्ट जानवर आ रहा है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है और ये आखिरी बछड़ा है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही हेवी, सबसे हेवी, ज़बरदस्त। इसके उतरने का स्टाइल चेक करें व्यूअर्स आप, माशाल्लाह कितने प्यार से उतरा है ये। और अगर इनकी हाइट के बारे में बात करें तो वाह यार 6 फीट की हाइट है तकरीबन इसकी, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, बहुत ही हाइटेड, आप इनकी हाइट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन हाइट में है। और इसकी प्राइस वगैरह दांतों में कितना अंकल, ये अभी 4 जी जी अभी 4 हुआ माशाल्लाह। वेट क्या होगा इसका? 25 मंथ होगा, 25 मंथ होगा। हाँ वाह यार ज़बरदस्त, 20-25 मंथ का जानवर है यार, क्या बताऊँ मैं आपको कि 20-25 मंथ का जानवर बहुत ही हेवी, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको बताऊँ उसकी हाइट तकरीबन 6 फीट के करीब इसकी हाइट है, आप इसके पीछे की उठान देख सकते हैं। ये सिब्बी का जानवर है, बहुत ही खूबसूरत जानवर भी बस। और इसकी बात प्राइस वगैरह की बात करेंगे और आपको पूरा रिव्यू देंगे। अभी जानवर उतरे हैं, अभी यहाँ के जो इनके जो ऑनर हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तो मैं इनका पूरा रिव्यू करूँगा, इनकी पूरी इनकी डिटेल बताऊँगा, कितना वेट है, क्या लाइफ वेट है, क्या मीट वेट है, क्या प्राइस इनके बारे में। तो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, वीडियो कर दिया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर यहाँ पे आपको कोई भी जानवर पसंद आए तो ज़रूर आए यहाँ पे आके लेके जाए, मैं कहता हूँ बहुत ये भी जानवर। प्राइस उन्होंने अभी नहीं खोले, उसकी वजह ये थी कि इनको खुद को आइडिया था कि यहाँ पे प्राइस क्या है जानवरों के, क्योंकि यहाँ की प्राइस वगैरह का भी इतना मसला चल रहा है, क्योंकि किसी के कम करने में किसी ने ज़्यादा, तो अपनी ये भी एक लेवल बनाएंगे और इनकी भी एक मार्केट होती है जिसमें कि प्राइस वगैरह के बारे में बात होती है। तो बस देख सकते हैं आप, ये काफ़ी हेवी जानवर है, काफ़ी बड़े जानवर है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आए आके इनसे रब्ता कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इन जानवरों की, तो ये भी काफ़ी हेवी है, बैठे हुए हैं, थक गए हैं यार 15-15 घंटे। जो मलीर का सबसे पहला ट्रक अनलोड हुआ है तो वो यही ट्रक था, और इसमें जानवर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़े जानवर। ये थोड़ा सा शरारती है, ये यहाँ बना हुआ है, थोड़ा शरारती है जानवर ये। तो व्यूअर्स अगर आप देखें तो तकरीबन 20 मंथ 22 मंथ 25 मंथ तक इनके पास यहाँ जानवर अवेलेबल हैं। और इनके प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस नहीं बताइए यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी लेना हो तो शादी का नंबर दे दिया है, और यहाँ पे आए बाय करें और ले जाएं।